स्पेशल बंदू का दम पोख पलाओ, आप गोइटा में खाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग ऑफ फादर एंड सन एडवेंचर्स। आज हम डैडी के साथ प्रिंस रोड में आए हुए हैं। प्रिंस रोड जो है वो फूड स्ट्रीट है कोयटा की। अगले दिन पीछे आपको सब्जी भी नज़र आई आ गई होगी, वैसे सब्जी वगैरह की सब्जी तो ऑलरेडी हम वीडियो वगैरह बना चुके हैं। जैसे आपको पता है यूनिक फूड थे, तो हम कल यहाँ से गुजर रहे थे, हमें कुछ वाकई में यूनिक नज़र आ गया। अभी ये बनू का जो है स्पेशल पुलाव है बीफ का, उसको पानी के अंदर रखा हुआ है, ये पानी के अंदर हीट होता है। गोश्त को टका 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 तोड़ के इसके अंदर डालते हैं, स्पेशल पुलाव है, उसको खाएंगे, ट्राई करेंगे और बताएंगे कैसा है। बाकी डैडी जी आपको कैसा लगा पुलाव? अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखें दम पोख रेस्टोरेंट है, स्टू फूड्स रेस्टोरेंट प्रिंस रोड पे है, यहाँ पे आए। इनके पास नई चीज़ हमने देखी, नए क्या था उस पर हमने, कोयटा में पुलाव नहीं मिलता बीफ का, तो आज बीफ पुलाव जो है वो हम खाएंगे, इसका रिव्यू देंगे, चलें देखते हैं कैसा पुलाव है। अस्पताल चले राजा जी, राजा जी जी किलो पसो दी किलो 600 योशा जबरदस्त किलो रुआचो लग तो टाइट रहा है, अभी अल्लाह खैर करे। नहीं अच्छा लग रहा है, देखते हैं खा कर। अच्छा इसमें 150 वाली प्लेट भी है, अगर आप सिंगल बंदे हो आप खुद खाना चाहो ना तो 150 की भी है। कितना था? 1 किलो का ऑर्डर दिया, 1 किलो हमारे लिए, 1 किलो ही सही है। अच्छा इसको पूरा काउंट कर रहे हैं किलो के हिसाब से। वाह अच्छा, ये देखें ये पानी पे बिल्कुल पक रहा है, पानी की स्टीम से। क्या बात है, मुंह में पानी आ रहा है आपके? खाएंगे देखेंगे, पानी तो आ रहा है, आ रहा है। ये आ गया ट्रे में, मसला ये कि अंदर हम लोग थे लेकिन देखे अंदर लाइट नहीं है अभी इनके पास, तो हम इतनी खड़े होके खाएंगे। लाओ लाओ, कर दिया स्टार्ट। आजी भाई आजी, आ गया आ गया आ गया। फिर इंतजार कैसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतुल्लाह। एक और भाई लेते हैं गोश्त के साथ, ये देखें दिखाओ, ये लिया हमने गोश्त, ये चावल, और
गोश गला हुआ है और चावलों के साथ अलग मज़ा दे रहा है। लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, आप किसी चीज़ की बुराई नहीं करते। भाई मैं जो खाता हूँ मुझे वो अच्छा लगता है, मैं किसी चीज़ की क्यों बुराई करूँ? जिस दिन मुझे लगा कि यार ये अच्छा नहीं था मैं भूलूँगा, ये भी वाकई में अच्छा है। डैडी आप ट्राई करो, आप ट्राई करके बताओ, आप फिर भी सही ओपिनियन देते हो, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। अभी मैं खाता हूँ, मैं खा करके आपको उसका रिव्यू देता हूँ, देखता हूँ कैसा है। नहीं, सही अच्छा रिव्यू है। अच्छा है, ठीक है, सही रिव्यू आपको यहाँ भी देता हूँ खा करके। पुलाव के कुक अभी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर हमने आपका पुलाव खाया, वाकई में बहुत ज़बरदस्त था, इसमें कोई शक नहीं। हम कोशिश भी यही करते हैं कि हम जो खाना जिसके सामने पेश कर रहे हों ताकि वो खाना ही खाना हो। बिल्कुल, एक चीज़ पर खर्चा भी करो और उसको मज़ा भी ना लो, मज़ा भी ना लो तो फिर उसका भी फ़ायदा ही क्या है। दो दो जो है ना, हमने चीज़ें महसूस की, डैडी ने महसूस की। जी जी, पहले तो जो उसका गोश्त था ना, अगर छोटे छोटे पीसेस के बजाय एक सही बड़ा पीस ऊपर रखा होता ना तो मज़ा भी करता और एक गोश जो है ना फिर वो सामने दिखता भी है, एक वैल्यू भी आ जाती है कि अगर 600 रुपये आपको छा रहे हो तो उसके ऊपर एक गोश्त का टाइट बड़ा पीस भी रखा हुआ है। दूसरा था सलाद, कि इसके साथ सलाद होना चाहिए था, कोई चटनी कुछ होना चाहिए था, बिल्कुल सादा था ये। वो छोटी छोटी बोटियाँ जो हम लगाते हैं वो इस वक्त लगाते हैं कि ताकि वो नवाले के साथ यानी चम्मच के साथ वो आए, वो भी चम्मच के साथ आएंगे और जब बड़ा गोश्त होता है तो फिर उसको काटना पड़ता है। काटने से बेहतर यही है कि इसी वास्ते से हम बड़े से उसको छोटा छोटा करते हैं ताकि नवाले के साथ खाया जा सके। और तकरीबन सारा बोनलेस था, बोनलेस डालते हैं आप इसमें, बोनलेस बगैर हड्डी वाला होता है। हाँ, ये बगैर हड्डी वाला है। और सलाद, सलाद तो होना चाहिए था। सलाद इंशाल्लाह वो हमने खुद भी महसूस किया कि यहाँ पर सलाद होना चाहिए, हालांकि हमारे बन में जो है ना इसके साथ सलाद कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पर VIP इलाका है और इसके लिए जो है ना चाहिए कि सलाद भी हो और उसके साथ चटनी वगैरह। अच्छा, मेरे डैडी जी अभी बोल रहे हैं कि इसमें इनको बोलो कि गोश्त भी बहुत कम था, 600 के हिसाब से गोश्त की मिकदार कम थी इसमें। नहीं, गोश्त इंशाल्लाह कम नहीं है क्योंकि हम जो यहाँ पर गोश्त लेते हैं वो VIP गोश्त लेते हैं और गाय का गोश्त लेते हैं जी। और हम खुद उसके सामने खड़े होकर उसको काटते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वैसा गोश्त हो ताकि खाने में किसी को ये ना हो। नहीं, बाकी टेस्ट वाइज तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा किया टेस्ट। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं और इससे भी हमारा कोशिश यही है कि इससे भी बेहतर हो। हम अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करते हैं कि आएँ यहाँ पर खाएँ, यूनिक अलग टेस्ट है और वाकई में बहुत मज़े का था। हम सबको खुश हम देख के रहते हैं आने वाले को। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। चावल के बाद कड़क दूध पत्ती, वो भी मलाई मार के, ये गरम गरम के मज़े मैं लूँगा। जब तक आप, डैडी ने कुछ बातें करनी थी वीडियो पे, उन्होंने बोला कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। जी, वो हमने जो नोट किया है, एक तो जायका बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है कि चावल के अंदर गोश्त का अपना जायका था, चावल अच्छे दम किए हुए थे और ज़बरदस्त जायका था। कमी महसूस हुई कि गोश्त कम था उसमें, गोश्त के कुछ टुकड़े थे छोटे छोटे और सलाद वगैरह चटनी रायता कुछ था नहीं। बेरा वो कहते हैं कि जी बनू में लोग ऐसे ही खाते हैं, मे भी, लेकिन मुझे कमी महसूस हुई। चाय भी बहुत मज़े की है और चाय भी, इसके चाय भी इनके पास है, कल से इनके पास खाना सब कुछ होगा, मतलब कहने का है कि जैसे रोस्ट और सालन वगैरह, आसपास सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं इधर, ये फूल स्ट्रीट कहलाते हैं प्रिंस रोड पे, तो अगर आप आएँ ज़रूर आएँ। मेरे फैमिली की जगह इनके पास नहीं है, आपको घर जाना पड़ेगा या फिर आप अंदर, कोई इंतज़ाम तो नहीं लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए। बेरा आप आ सकते हैं, इंजॉय करें। पार्सल पैक करते हैं लोग, पार्सल भी करते हैं, पार्सल करा सकते हैं। बॉक्स होटल करीब है, होटल से आप मंगवा लें, होटल में खा लें आप। एक किलो हमने मंगाया था, एक किलो दो बंदे इसलिए मज़े से खा, 600 का जी। 150 की भी प्लेट है सिंगल सर्विंग? हाँ, वो थोड़ा छोटी प्लेट होगी ये। हाँ, एक किलो जो है 600 रुपये का ना जी। चाय बहुत मज़े की, पूरा कड़क चाय बनाई है, चीनी कम मलाई ज़्यादा और साथ में जो है ना इलायची का एक अलग टेस्ट आ रहा है। आह हाँ, इसको सब कुछ अच्छा लगता है, परफेक्ट एंड। चलें
इजाज़त देते हैं, हम लोग आपसे इजाज़त मांगते हैं, अभी चलते हैं हम लोग। यस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो खुदाए पामान, खुदाए पामान। स्पेशल बनू कबाब के कुक हमारे साथ इस टाइम पे खड़े हुए हैं। कबाब नहीं, पुलाव। स्पेशल बनू